बताओ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक बैग में कितने रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे, तो लिख दो भाई कि 2 रुपए का सिक्का, फिर 1 रुपए का सिक्का, ठीक है, और फिर 50 पैसे का सिक्का। 50 पैसे का सिक्का, तो 50 पैसे के लिए कितना लिखोगे, 50 पैसे लिखोगे, ठीक है। नंबर जो है उन रेशियो किस में है बताओ जल्दी से, कॉइन्स जो है, जो वैल्यू है कॉइन्स किस रेशियो में है बताओ। कॉइन्स जो है वो 3:4:5 में है, ये इस रेशियो में है, इस रेशियो में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस रेशियो में है तो हम जो है इनका टोटल वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू कितना देते हैं, यहाँ पर ये कॉस्ट जो है वो कितना कॉस्ट प्रदान करते हैं। तो 2 रुपए का 3 सिक्का 6 रुपया बनाएगा, 1 रुपए का 4 सिक्का 4 रुपए बनाएगा, और 50 पैसे का 5 सिक्का 2.5 रुपए बनाएगा। 6, 4, 10, 12, 12 बनेंगे, कितने बनेंगे, 12.5 बनेंगे। लेकिन एक्चुअल में 12.5 नहीं बन रहा है, 12.5 की जगह जो है वो 250 बन रहा है, 12.5 की जगह जो है वो 250 बन रहा है, यानी अपने आपका 20 गुना, ठीक है, 12.5 का 250 यानी 20 गुना। अब ये 20 कैसे आया, 20 बोलने के लिए देखो 250 को 12.5 से भाग करो, 250 को 12.5 से भाग करो, ये 0 चला जाएगा, 125 का 2 गुना, तो 20 आ जाएगा आपको, ठीक है, समझे। तो 20 गुना, अब आपसे बोला है 1 रुपए का कॉइन कितना है, तो 1 रुपए का कॉइन कितना माने थे, 4, यानी 4 नहीं होगा, 4 का कितना गुना, 20 गुना, 80 सिक्का होगा 1 रुपया का उत्तर जो है, ठीक है। कहीं गड़बड़ कर दी हमने फिर से, 2 रुपए एक होता है, बिल्कुल ऑप्शन गलत है, ऑप्शन जो है इसका करेक्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, 80 टिक कर लो। एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल मुझे लग रहा है ऑप्शन जो है